हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल निशा भोपाल ब्लॉगर में, और ये है दशहरा ब्लॉग जो कि मैं लेट लेके आई हूँ, और हर बार जो है मैं बाद में ही ब्लॉग लेके आती हूँ। मतलब कि जो फेस्टिवल होता है ना, उसके बाद ही मैं ब्लॉग लेके आती हूँ। जब तुरंत जैसे सभी लोगों के ब्लॉग आ जाते हैं, जैसे दशहरा होता है और उसके आधे घंटे के बाद लोग जल्दी जल्दी वीडियो एडिट करके और अपलोड कर देते हैं यूट्यूब में, बट मैं नहीं कर पाती। मुझे ना टाइम चाहिए होता है एडिट करने के लिए, और मोबाइल भी पास होना ज़रूरी है क्योंकि किट्टू के पास मोबाइल रहता है मेरा, तो इसलिए जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉग एडिट करके मैं अपलोड कर देती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा कि चलो जल्दी से एडिट करके अपलोड कर देते हैं, और डेटा भी ख़त्म हो जाता है ना मेरा। तो वही यहाँ पे जो है आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, एंड तक पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। वैसे तो उस दिन बारिश होने लगी थी और हम लोग जो है बहुत जल्दी जो है वहाँ से निकले थे, क्योंकि ठीक से जो आतिशबाजी अभी नहीं देख पाए थे। आगे के ब्लॉग में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बोल रही हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर से। ओके बाय। देखो पेड़ा रहा है। हाँ नहीं, 6 नंबर।
वजह से बारिश इतनी हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे भाई साहब से कहा कि रावण कैसे जलेगा, तो इन्होंने कहा कि वाटर प्रूफ है। लेकिन मैंने यहाँ तो जल के रावण जाएंगे, कहीं तो गल के जाएंगे। हाँ जी, तो एक बार जरा जोरदार हल्ला हो जाए तो गाइस, बिना म्यूज़िक के डांस जो है बहुत ही अजीब लगता है ना। तो यहाँ पे जो है बहुत ही प्यारा सॉन्ग चल रहा था, घूमर घूमर वाला सॉन्ग चल रहा था और गणपति जी का सॉन्ग चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने म्यूज़िक हटा दिया क्योंकि आपको पता है हम यूट्यूबर को बहुत बड़ा डर होता है कि भाई कॉपीराइट ना आ जाए। जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना उनको तो नहीं होता, क्योंकि पता नहीं वो लोग क्या क्या ट्रिक लगा के जो ओरिजिनल सॉन्ग डाल देते हैं। बट ना, हम लोग अभी छोटे यूट्यूबर्स होते हैं बहुत डर होते हैं कि कहीं उनके चैनल पर कॉपीराइट ना आ जाए, स्ट्राइक ना आ जाए, तो इसलिए वो लोग इन चीज़ों से डरते हैं, इसलिए म्यूज़िक ज़्यादा डालते ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये शो हो रहा है जो कि हमें बड़ी सी स्क्रीन पर जो है दिखाया जा रहा है, जो कि आप लोग देखोगे तब आपको समझ आएगा। तो आप लोग पहले देख लीजिए। दुर्भाग्यवश उन्हें एक भी रानी में से यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत। प्रकृति के मारीच और सुबाहु उपद्रव मचाते, ऋषि मुनियों को आतंकित करते, ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र राम का नाम सुझाया। इसके उपरांत भगवान राम ने अपनी शस्त्र निपुणता और ईश्वरीय कृपा से मारीच की मां तारका सहित कई अन्य राक्षसों का वध किया और मुनि ऋषि जब इन सारे साउंड्स को एक बीट पैटर्न में रखते हैं उसको बीट बॉक्सिंग बोलते हैं। इट गोज लाइक दिस। ओह यार, डीजे की जरूरत ही नहीं है। टू बैक टू बैक टू क्लैप ऑन द बीट, एवरीबॉडी क्लैप 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 क्लैप।
and dance. सुमित भाई साहब बहुत अच्छा भजन गाते हैं, मुझे पता। एक बस चार लाइन। अब इतने अच्छे कलाकार के पास मुझ जैसे अनाड़ी को खड़ा करते हैं, मैं इसलिए इनसे कह रहा था मेरी इज्जत बचा के रखना। फिर भी ये जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे, मैं भी जुबिन नौटियाल की दो लाइन सुना देता हूँ। सुना दू? और दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। और तूने कभी जाना नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। इन्होंने चुकी यहाँ पर गाइस बारिश होने लगी थी और बारिश की वजह से जो है प्रोग्राम को आधे में ही रोक दिया गया और राम जी की आरती हो रही है ताकि रावण दहन हो सके। अगर बारिश होने लगेगी तो कार्यक्रम रुक जाएगा, रावण दहन नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे जो है आरती जल्दी से की गई। उसके बाद जो है राम जी निकल पड़े रावण दहन के लिए और यहाँ पे सभी लोग जो है देखो अपनी जगह पे जो है खड़े, कुछ लोग छाता लगा के भी खड़े हो गए और कुछ लोग जाने लगे थे, कुछ लोग चले भी गए थे और हम लोग भी जाने लगे थे क्योंकि किट्टू भी थी साथ में। बट थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं जल्दी से। ऐसा हुआ कि रावण दहन जैसे ही आतिशबाजी होने लगी ना, थोड़ी सी आतिशबाजी हम देख पाए थे और फिर अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लगी ना कि सब भागे। फिर बल्कि हम ना आधे रास्ते पर जाके जो रुक गए थे जब, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, भीड़ बहुत ज़्यादा था। और ये जो है ना रावण दहन भोपाल का, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको यूट्यूब पे भी देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे भी जो है लाइव था और वो सेव है, तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो प्रोग्राम होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम थे मुझे जो कि मैं यहाँ पर पूरा पूरा शेयर नहीं कर पाई हूँ, वहाँ पर जाके आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो हनुमान की भारत माता की। आज कोलार हिंदू उत्सव समिति के इस
सभी स्वच्छता कर्मियों का हम सम्मान करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आज के कारण हमारा गोलार और भोपाल छठवें नंबर पर आया है। हमारे बीच नगर निगम के अध्यक्ष कृष्ण स्वरूप जी उपस्थित है, आपसे भी अनुरोध है हम एक स्वर्गीय गौतम को युवा पुरस्कार देते हैं, उसके लिए श्री निहाल खुशी जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। स्वर्गीय गौतम को युवा पुरस्कार के लिए मैं निहाल जी को आमंत्रित करता हूँ। साथ ही विक्रमादित्य की तरफ से दिव्यांग को साइकिल दी जाएगी इस कार्यक्रम के पश्चात। करण जी आप बहुत मेहनत करते हैं हम सब। श्री निहाल जी स्वर्गीय युवा पुरस्कार के लिए इन्होंने 1200 ब्लड दिए हैं, इनकी संस्था ने 1200 स्थान पर ब्लड दिया, इनके लिए जोरदार ताली। हमारे साथ मंच पर बीके फिल्म की आरजे अनादि भी है यहाँ पर, जो खास तौर पे इस विजयादशमी के आप सभी का आभार व्यक्त करती है। हम लोग जो अपने माता पिता के अस्थि को विसर्जन नहीं करते उसको भी हम लोग महाभारत लेकर उसका विसर्जन करते हैं। धन्यवाद जिला अध्यक्ष जी। डॉक्टर सैयद कुमार जी ऐसे एक और भव्य शाम गुलार हिंदू उत्सव समिति के नाम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तो फाइनली गाइस इतनी बारिश के बाद तूफान के बाद रावण दहन हो ही गया। हमें तो यकीन ही नहीं था कि भाई रावण दहन हो पाएगा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बट देखो सच्चाई की जीत हो ही गई। ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।